तो सी एफ पी आई से रिलेटेड हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो क्वेश्चन में हम एक सॉल्व करना है इसका जनरल सोल्यूशन, और ये क्लियरली दिख रहा है आपको, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है। तो इसके लिए मुझे सी एफ एंड पी आई चाहिए। सी एफ आपका तभी निकलेगा जब आप ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओगे, और ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए आपको डी के प्लस पे एम पुट करना होता है, वाई के प्लस पे 1, और क्यू के प्लस पे क्या पुट करना होता है, 0। ये हमारा क्यू है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि एम स्क्वायर इज टू माइनस के स्क्वायर। सो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस आई ए। ठीक, तो आपका जो सी एफ आएगा, क्योंकि ये इमेजिनरी है, तो आपका जो सी एफ आएगा वो क्या आएगा, सी वन कॉस ए एक्स प्लस सी टू साइन एक्स। कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा क्या आ जाएगा, सी एफ इक्वेशन नंबर 1। अब हमें निकालना है पी आई, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन फंक्शन टी। क्यू हमारा क्या है, कॉसेक ए एक्स, नीचे डी क्या है, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो हमने जो चीज़ें सीखी हैं वो साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स के लिए सीखे, कॉसेक के लिए कोई केस हमने बढ़ा ही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक दुविधा ये बनी है कि बाकी कोई केस तो फिट बैठ ही नहीं रहा इसमें। तो एक क्वेश्चन हमने आठवां केस पढ़ा था कि फैक्टर बनाने होते हैं, तो मैं डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को किस रूप में लिख सकता हूँ, देखो डी प्लस आई ए इंटू डी माइनस आई ए लिख सकता हूँ इसको ऐसे में, और ऊपर क्या है, कॉसेक ए एक्स। क्लियर है। अब ये चलो फैक्टर तो मैंने बना दिए, लेकिन अलग अलग फैक्टर होने चाहिए। अब इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन करूँगा, इस पार्ट का क्या कर दूँगा, पार्शियल फ्रैक्शन, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। अब पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, आप ऐसे मत करने लग जाना, ए अपॉन डी प्लस आई ए, ये भी चलो ठीक है, डी माइनस आई, ऐसा आप मत करने लग जाना, इसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा आपको। आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको क्या करना है, जब भी ऐसे होते हैं ना तो आप वन के अपॉन में पहले ये लिख दो, माइनस या प्लस करो और ये लिख दो, एक बार ट्राई करके देखो, इससे फटाफट बन जाते हैं। तो जब ऐसा करोगे ना, तो जो चीज़ आपकी एक्स्ट्रा ऊपर आ रही होगी कट पिट की, जो भी चीज़ सपोज करो एक्स आ रही है, तो उसी एक्स से नीचे डिवाइड कर दो, बात खत्म, जो एक्स्ट्रा आ रहा है। तो यहाँ से आपका पार्शियल फ्रैक्शन मिल जाएगा आपको। तो वही ट्रिक मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, क्योंकि ये ट्रिक मैं अपने जब कॉलेज टाइम में मैं भी यूज़ करता था, तो मैं वही आपको सिखा रहा हूँ जिससे आपका टाइम बच सके। तो मैं क्या करूँगा, वन अपॉन डी माइनस आई ए करूँगा, और इसमें से ये करूँगा, छोटा वाला पहले फिर बड़ा वाला बाद में, ठीक है। तो जब ऐसा करोगे ना, तो आप सॉल्व करके देखना, आपका ऊपर टू आई ए का टर्म बच रहा होगा सॉल्व करने पर, टू आई ए का टर्म बच रहा है, तो वो वन के अपॉन में यहाँ लिख दो, बन गया आपका पार्शियल फ्रैक्शन ये, ठीक है। अब अलग अलग ले लो, वन अपॉन टू आई ए सबके बाहर है, तो यहाँ हो जाएगा वन अपॉन डी माइनस आई ए कॉसेक ए एक्स, यहाँ से वन अपॉन डी, इसको हम लिख सकते हैं माइनस आई ए कॉसेक ए एक्स, क्योंकि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ अभी आपको पता चल जाएगा। इक्वेशन इसको ए माना, आपको रिजल्ट पता है, रिजल्ट क्या है कि जब भी आपका डी माइनस ए क्यू होता है, लेकिन एक फार्मूला क्या बन जाता है, ए की पावर ये ए के प्लेस पे यहाँ आता है, इंटीग्रेशन क्यू होता है ए की पावर माइनस ए एक्स डी एक्स, ये रिजल्ट पता है आपको, इसी की मदद से ये क्वेश्चन हो सकता है, और किसी के रिजल्ट से नहीं। तो दोनों सेम चीज़ें, एक बार आई ए है और एक बार माइनस का आई है, तो इसका जो आंसर रहेगा इसका भी वही आंसर आएगा, बस आई की जगह पर आपको क्या रख देना है, माइनस के आई। क्लियर, तो हमें एक करना है, दूसरा अपने आप आ जाएगा। नाउ हम इस पार्ट पे आ रहे हैं, वन अपॉन डी माइनस आई ए कॉसिक ए एक्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस ए की पावर ए एक्स, ए यहाँ क्या है, आई ए है, इंटीग्रेशन क्यू क्या है हमारा, कॉसिक ए एक्स, इन टू में क्या आएगा, ए की पावर माइनस लगता है आई एक्स, आई देखो यहाँ से क्या होता है, ए की पावर ए, ए हमारा आई है, यहाँ से एक्स छूट गया था, यहाँ ए और ये डी एक्स। क्लियर है। अब इस फॉर्मूले को मैं खोल दूँगा, इससे ये चीज़ बाहर है, इससे आपको कोई लेना देना, इंटीग्रेशन अंदर का होगा, ठीक है, ए की पावर आई एक्स ये तो बाहर है, इंटीग्रेशन
कॉसेक ए एक्स, इसको मैं खोल दूंगा अब, कॉस ए एक्स माइनस के आई शाइन ए एक्स, खोल दिया मैंने। अब इस कॉसेक से मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, कॉसेक का मतलब होता है वन अपॉन साइन ए एक्स, है कि नहीं। तो कॉस ए एक्स बट्टा साइन एक्स क्या हो जाएगा, टेन ए एक्स, और इससे ये कट के साइन ए एक्स अपॉन साइन एक्स यहाँ क्या हो जाएगा, सिर्फ आई, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन तो बड़ा सिंपल हो गया अब ये चीज़, क्योंकि टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस का, तो टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस की, तो यहाँ से टेन कैसे हो रहा है, कॉस अपॉन साइन टेन थोड़ी ना होता है, क्या होता है कॉट, यहाँ पर कॉट ए एक्स है, और कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स को लेट करने से कॉस मिलता है, लॉग साइन एक्स, है ना। तो लॉग साइन एक्स और ए एक्स है, और एक्स क्वेश्चन कितना है ए, तो वो अपॉन में आ जाएगा, और आई तो ऐसे है आई बाहर, और डी एक्स का कंडीशन क्या हो जाएगा एक्स, तो ये हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन इस पार्ट का, ओके। अब ये मिला है तो इसकी मदद से आप ये वाला निकाल सकते हो, डी प्लस आई ए कॉसेक ए एक्स, जस्ट क्या करना होगा, रिप्लेस आई बाई माइनस आई, ठीक है। तो यही रिजल्ट होगा, आपका आंसर आ जाएगा ए की पावर माइनस क्या आई ए एक्स लॉग साइन ए एक्स अपॉन ए, और यहाँ से प्लस क्या आई एक्स हो जाएगा। इन दोनों वैल्यूज़ को आपको कहाँ रखना है, यहाँ पर, सो फ्रॉम क्या माना था इसको हमने ए, तो आपका जो पी ए आएगा वो आ जाएगा वन अपॉन टू आई ए, तो बाहर है, और यहाँ पे इसका आंसर हमने कितना निकाला था मैं लिख दे रहा हूँ, ये आया था हमारा ए की पावर आई ए एक्स लॉग साइन ए एक्स अपॉन ए माइनस के आई, ठीक है। और फिर यहाँ पे माइनस लगाओ, फिर ए की पावर माइनस आई ए एक्स लॉग साइन ए एक्स अपॉन ए प्लस आई, यहाँ से एक्स छूट गया था, ठीक है। ये आपका पी आई आ गया, और जनरल सोल्यूशन निकालने के बाद क्या होता है, वाई स्क्वायर टू क्या होता है आपका सी एफ प्लस पी आई, सी एफ हम पहले निकाल चुके हैं, और ये पी आई आप यहाँ से यहाँ रख दोगे तो आपका आंसर में आपको मिल जाएगा। थैंक्स।